बाय बाय। हे दोस्तों फ्रेंड्स, लोसर के आगे आते ही आपको ऐसा दृश्य दिखने को मिलेगा, घास चल रही इधर। इस पृथ्वी पर कुदरत ने एक ऐसी जगह बनाई है जहां आकर आपको सुकून शांति और इन पहाड़ियों में आकर अपना सा महसूस होता है। क्या फील है मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। कुंजुम पास इज द गेटवे टू स्पीति वैली, वाया कुल्लू वैली एंड लाहौल वैली इन हिमाचल प्रदेश। कंजुम पास अल्टीट्यूड 4,590 मीटर। कंजुमला ये देखो हवा कितनी तेज है। फ्रेंड्स, हम अभी कुंजुम पास नीचे उतर रहे हैं। ये देखो पूरा खड़ा है। ए भाई धीरे 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 धीरे, सॉरी खड़ी नहीं, ज्यादा ढलान है दोस्तों। कल तो ये लगेज बहुत कम करने वाला हूँ, लगेज का जो अनबैलेंस हो रहा है लगेज की वजह से, जरूरत नहीं थी इतने लगेज की जो लकड़ी मैंने भर लिया है। चल भाई चल, ये गिरना नहीं, हवा भी बहुत है यारो, हवा का झोंका है ना। और ऑफ रोडिंग है, लोजर से थोड़े आगे आते ही ऑफ रोडिंग ही चालू हो जाती है। वो देखो आगे टेढ़ा मेढ़ा रोड दिख रहा है आपको, आगे का भी नजारा क्या खतरनाक है। खतरनाक मतलब अच्छा है, खतरनाक मतलब डेंजर होता है, डेंजर नहीं लवली है इसे। ऊपर चढ़ाई करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब नीचे की ओर जाते हैं तो प्रॉब्लम रहता है ग्रिप का, टायर की। मैं भी पहली बार आया हूँ पास पे, मैंने पहले रोहतांग को गया था मैं, लेकिन वो फोर व्हीलर थी मेरे पास तब, मतलब यहाँ जो टेम्पो ट्रैवलर है फैमिली के साथ तब। और अभी आया हूँ ये महाराष्ट्र सांगली से खुद की बाइक लेके, मैं और अजय पवार जी, उनका एक्सपीरियंस है, वो लद्दाख कर चुके हैं, मैंने तो लद्दाख विदाख कुछ नहीं। अभी ये पहला जो मेरा पास है ये, मतलब इस राइड का ये कुंजुम पास है, तो मेरे लिए पूरा नया है, एक्सपीरियंस भी नया है। अभी टोटली ये ट्रैक तो 10 किलोमीटर का है ऐसा पता चला है। डर अगर बैठ जाए तो वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटी जो होती है, मतलब वो डर की वजह से वो एबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। एबिलिटी मेंटेन करनी है तो डर को तो भगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, अजय जी ने जो रास्ता चुना वो सही चुना। हम इधर मतलब मनाली से, मतलब शिमला, ये मनाली से नहीं, हम जो आए शिमला से नारकंडा की ओर से, तो सही ट्रैक, मतलब हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। इस वजह से मुझे पहले बार जो तक सांस लेने में तकलीफ हो रही थी वो अब कम हो रही है, मतलब नहीं तो ये डायरेक्ट उल्टा चालू कर दे तो तकलीफ बढ़ जाती। का जो मंदिर है ऊपर है, आप जो गए थे माँ कुंजुम का, ये क्या नीचे नंगे पहाड़, ऊपर सफेद
बादल नज़ारा अच्छा है इस बाजू का भी। अरे फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा ये टंकी पे जो बैग रहती ना थोड़ी खाली रखना, क्योंकि जो है ना मतलब ये जो हम बाइक का हैंडल घुमाते ना तो वो डिस्टर्ब करता है, इसकी वजह से गिरने की आशंका ज़्यादा रहती है। अभी मैं तो सेकंड पे चल रहा हूँ धीरे धीरे। आगे का नज़ारा, बर्फ की चोटियाँ, ये हवा का तेज झोंका, घर वाले बोलेंगे यार क्या तू पागल है, ऐसी जगह जाना है तो शादी क्यों की, अभी क्या बोलेंगे उनको हम। तो काम कर रहे वर्कर इधर, लेकिन क्या करे भाई, अभी तो आने की उम्र है, अगर उम्र ढल जाती 4-5 साल बाद तो पैसा वैसा लेके क्या करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह। जिंदगी में कुछ तो अलग थ्रिल चाहिए ना। ये देखो ये भाई साहब मेरे से आगे निकल गए एवेंजर वाले, जाओ जाओ भाई जाओ, मैं तो मेरे हिसाब से ही आऊँगा। मैं 5.5 फुट का आदमी और गाड़ी है हिमालयन से ऊंची एक्सपल्स, आपकी छोटी है भाई, इधर पाव नहीं टकने आता तो क्या करे, बुट भी लिया है हमने लंबा वाला, पाव टकना चाहिए नीचे, इसलिए घर छोड़कर 11 दिन हो गए। आज हमने हमको भी खुद को भी मेंटेन किया है, हमारी बाइक भी मेंटेन की है, ये वजह है सिर्फ वक्त पर पानी पीने की। चल भाई चल धीरे धीरे चल, अभी ये जो है रहने तो सेकंड कोई बात नहीं, फर्स्ट डाल दिया ठीक है। चलो फिर अभी जरा बर्फ पिघल कर पानी कैसे नीचे आ रहा है देखो, मतलब किसी ने रस्सी छोड़ दी हो नीचे, ऐसा लग रहा है। तुझे क्या हुआ खांसी? मिट्टी ज्यादा खाली क्या? सर्दियों के मौसम में यहाँ पर लगभग 15-20 फीट तक बर्फ जमा रहती है। हाँ बस बस सॉरी, इनका एक साथी था वो एक्सपल्स वाला, वो नहीं वो हमारे साथ जो स्पीति रिवर है वहाँ फोटो खिंचवाने आया था, पीछे रहेगा तो उनको उसको साथ चल बोला, पीछे रह गया इसलिए। अविंजर वाले भाई कलकत्ता से आए हैं, वो 3 जन है नीचे मिले थे वो, तब पता चला, लेकिन कम हाइट वालों को, और बाप रे अजय जी बहुत नीचे चले गए, उनकी हिमालयन है हमारी एक्सपल्स है, एक्सपल्स भी अच्छी है लेकिन क्या है हम नए है गाड़ी पे। देखो बड़ा पत्थर, ओके चल क्या है जब नीचे उतरे तो क्लच ज़्यादा क्लच का यूज़ नहीं करने का, मतलब क्लच पकड़ लिया तो गाड़ी फ्री हो जाती है, तो क्लच नहीं पूरा यू टर्न रहता है तो क्लच कभी भी नहीं करने का।
कैसे दिख रही है पहाड़ी है। उन पहाड़ियों की वजह से तो यहाँ आना पड़ता है यारो। मेरे पीछे भी कोई अवेंजर नहीं, बुलेट वाला है, रॉयल एनफील्ड है, वो भी मेरी तरह नया दिख रहा है। चल भाई धीरे धीरे चल, कोई बात नहीं। बोलेंगे प्रशांत भाई तुम तो अभी ऐसे डर रहे और YouTube चैनल निकाला है। अरे क्या करे भाई, सोचा चला तो चल जाएगा चांद तक, नहीं चला तो सोचेंगे, इसलिए YouTube चैनल खोल दिया, वो भी गाड़ी पे लिखवा के है? चला है यूट्यूबर बनने। धीरे से भाई धीरे। अरे क्या हुआ, पत्थर आ गया नीचे यार, गिरने वाला था, बच गया था। थोड़ी थोड़ी मस्ती जान नहीं सस्ती, सही डायलॉग है ना। पसीना निकाल दे यार, एक पत्थर ने, छोटी पत्थर ने हवा की वजह से मेरा भी आवाज क्लियर नहीं आ रहा होगा आपको। बहुत सारे मोड़ है, ये तो मोड़ ही मोड़ है, इधर मोड़ ही मोड़, मोड़ ही मोड़, मोड़ ही मोड़। अरे आगे क्या हुआ, दो गाड़ी, एक हाँ, वजन ज्यादा दिखता है गाड़ी में। क्या ठहरता हूँ जरा इधर, चल भाई मैं जाता हूँ। अरे तू क्या कर रहा है, ले 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 ले। अरे टंकी है देखो, ऐसे इधर डिस्टर्ब करता है। चलो एक आध गाड़ी इसी इधर फंस गई, ऊपर वाले को फिर लूजर जाना पड़ेगा, नीचे वाले को इधर जो उधर जाना पड़ेगा। जी जी चलो आके, बहुत देर हो गई उनके रुके हुए। चलो अभी एक मनाली जाता है, एक काजा जाता है, एक चंद्रताल जाता है, ठीक है। तो हम अभी चंद्र, अरे मैं निकालने की कोशिश करूँगा, आगे जाऊं। देख यार क्या हो गया, पानी पे रहा है बोट। चल 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 निकल निकल निकल, निकल 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 गए। चंद्रताल जाते हुए का नजारा, चिनाब रिवर का सामने वाला दृश्य, कैसी लगती है ना पहाड़िया, कुछ पेड़ नहीं है, हरी भरी कुछ नहीं है। और यहाँ की जो पहाड़िया, ये देखो पहाड़ी पूरा चमक रही है, काली है मगर गोरी है, चमक रही है।
गाड़ी का मेरा जो मतलब बीच का जो ये है गाड़ी खड़ने का जो स्टैंड, वो बार बार नीचे पत्थर को टकराता है, इससे आवाज होती है कार कार कार। चिनाब रिवर भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टंडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है और ये भारत पाकिस्तान में बहती है। इसे नदी की खासियत है दोस्तों। डांस डांस एंजॉय कर रही है लड़कियां। चंद्रतार के बेस पे जगह जगह बेस कैंप बने हुए हैं, अभी उनका रेंट तो मालूम नहीं। और ऊपर जाना पड़ेगा। अभी ये फ्लैट जगह चालू हो गई, पूरा भी मिट्टी मिट्टी रहेगी। अरे रास्ता दिखा दे भाई, दिख रहा है। यहाँ ठहरने का मन बना लिया है, अभी देखेंगे क्या कहते हैं। यही चंद्रताल का बेस कैंप, यहाँ पर हमने पहले बेस कैंप से मालिक थे उनसे कुछ बातचीत करके बार्गेनिंग करके रेट्स कम किए, वो भी शाम के डिनर के साथ। फिर हमने और अजय ने आकर यहाँ टेंट देखा। टेंट मुझे तो ठीक ठाक लगा, लेकिन अजय जी मान ही नहीं रहे थे कि दूसरा टेंट देखेंगे। मैंने सोचा ये अच्छा है, यही लेंगे। फिर सोचा कि कुछ आधा लगेज निकालेंगे और फ्रेश हो उसके फिर आगे चंद्रताल के लिए निकलेंगे। और थोड़ा हम आराम करके अभी कुछ पेट पूजा करके चंद्रताल की ओर। तो हाय दिल्ली वाले, फिर मिले। कहाँ मिले थे पहले? ताबो। यस, आप कहाँ मिले थे? किचन में। और दूसरी बात, कहाँ गिरे थे? नहीं, ठीक है, उनका वीडियो मैंने बनाया है अभी, तो कोई बात नहीं है। ओके, अभी हम बेस कैंप में रुक कर अभी खाना खा रहे, थोड़ा भूख लगी। सुबह से कुछ नहीं खाया था, वहाँ ब्रेकफास्ट ही किया था ना, आमलेट और वो चपाती रोटी वगैरह कुछ। तो अभी हम यहाँ पूरा लगेज टेंट में रखेंगे और यहाँ से ऊपर जाए। जो टोटल ट्रैक कितना, 3 किलोमीटर का है क्या? तीन है। तो उसमें 2 किलोमीटर तक बाइक जाती है, वहाँ से 1 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है। तो अभी हम उधर जाने वाले हैं। ओके, हेलो फ्रेंड, ये जो चंद्रताल झील है वो समुद्र तल से लगभग 4290 मीटर पर स्थित है। वहाँ से जो नीचे बेस कैंप है वहाँ हमने पूरा लगेज रखा, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे आए और ये ट्रैक का 1 किलोमीटर का रास्ता है। भैया वहाँ से रास्ता अच्छा है उधर से? एक ही लेक के पास जाना, इधर से जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जगह है क्या? कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, कहीं जाना है? चलो तो क्या फ्रेंड सर की पकी ये हमारे अजय जी की देखो, सांसे फूल रहे हैं अभी 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 से, अभी भगा रहे हैं। भागना नहीं, कोई बोले ना कि 1 करोड़ रुपए देता हूँ तो भी भागने का नहीं, जान है तो जान है, समझे? भाई वो जो आगे दिख रहे हैं वो ग्लेशियर है, बड़े बड़े ग्लेशियर है। ये पूरी चट्टाने आप देख रहे हैं, ये चट्टानों पे ग्लेशियर दिखाई दे रही है। अभी तो सांसे फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल जरा कम है इधर। ये देखो, ये है चंद्रताल, ये लेक आप देख रहे हैं, नजारा, पानी का कलर देखो,
क्या जबरदस्त सीन है फ्रेंड्स। अभी यहाँ तो हवा चल रही है इसलिए साउंड को जरा दिक्कत आ सकती है। इधर और एक छोटा सा लेक है, नाम वगैरह मालूम नहीं, मतलब वो एक रिवर है, रिवर का जो पानी कलेक्ट हुआ है वो उधर है ना अजय जी। ये देखो ग्लेशियर कैसे दिख रहे हैं, वो चट्टाने भी चमक रही है फ्रेंड्स, देखो आगे जैसा किसी ने ऑयल वगैरह छिड़क दिया वैसे। जैसे ही शाम ढल रही है यहाँ देखिए सूरज और बादल के बीच जो खेल चालू है आप देख रहे हैं। नदी का जो पानी है वो किस तरह से चमक रहा है देखो, ऊपर ग्लेशियर काले और सफेद दिख रहे हैं पूरे। यहाँ जो चंद्रताल लेक है उसका जो पानी का कलर है वो मतलब हर कुछ घंटे बाद चेंज होता है, जैसे सूरज कहीं डूबता है या कहीं निकलता है या पहाड़ की रिफ्लेक्शन उस पर जब पानी में गिरती है तो उसका कलर हर टाइम चेंज होता है। अभी आपको ये काला दिख रहा होगा, मैं आया तो कुछ हरा हरा सा, मतलब स्काई और हरा ऐसे कुछ शेड थे। ये देखिए आप जो सामने छोटा लेक देख रहे हो अपर चंद्रताल है, उसी के सामने जो ग्लेशियर्स थे वो समुद्र टापू ग्लेशियर्स और लाल नारायण लेक दिख रहा है दोस्तों। यहाँ से देखो इधर मेरी परछाई भी इधर सामने नजर आ रही है। अभी देखो पानी का कलर भी कैसा चेंज हो गया, काला था अभी अलग हो गया, स्काई कलर में आ गया देखो। चंद्रताल का दृश्य देखकर मेरा उत्साह बढ़ गया, इसलिए मैंने सोचा चलो चंद्रताल की परिक्रमा की जाए। मेरे साथ जो बेस कैंप से आए थे सब दोस्त चले गए, मैं चलते चलते चंद्रताल की ओर गया और देखा तो बाप रे बाप, ये तो बहुत ही लंबा है, मैं इसे पार नहीं कर सकता या परिक्रमा कर नहीं सकता, इसलिए कैंसल। फ्रेंड्स उस तरफ देखो पानी कैसे चेंज, मतलब पानी का जो कलर है उधर अलग है और इधर अलग है देखो, क्या मस्त सीन है फ्रेंड्स। अभी मैं वापस ट्रेन में जा रहा हूँ, जाते जाते ये कुछ नज़ारे चंद्रताल लेक के। ये गोल्डन पहाड़ का दृश्य मैंने पहली बार हिमालय में देखा है दोस्तों। कल से हमारा स्पीति वैली का सफर खत्म हो जाएगा और हम आगे लड़ाक के लिए नए थ्रिल के लिए निकलने वाले हैं दोस्तों। आप भी हमारे साथ बने रहिए, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।